बच्चों, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 18 प्रायश्चित भाग 3। भाग 3 इस पाठ का पेज संख्या 103 पर देखिए। हमने यहां तक पढ़ा था, इसमें इतना लोग ठीक नहीं है। अब देखिए आगे, मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? हम लोग जिस दिन के लिए हैं, हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा में ये सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में पूजा कर देंगे। दान के लिए 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जो, 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक लगेगा। देखिए कितना कितना मन होता है, 40 किलो का एक मन है ना, तो कितना कितना सामान पंडित जी मंगवा रहे हैं, यानी कि अपना राशन पूरा कर रहे हैं घर का। इतने में ही काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान पंडित जी, इसमें 150 रुपया खर्च हो जाएगा, यानी कि आज के 1.5 लाख के रुपये बराबर है ना, तो 150 रुपये खर्च हो जाएगा। ये बहुत पुरानी कहानी है। तो रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा, पर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है, खर्च को देखती हो। पहले बहू के पेज संख्या 104 पर देखिए। बहू के पाप को तो देखो, बहू के पाप को भी देखो, ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी है। और जैसे जिसकी मर्यादा प्रायश्चित में, वैसा उसे खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 150 रुपया आप लोगों के हाथों का मेल है, यानी कि ऊंची बड़ी पार्टी देखी पंडित जी ने, कि पैसे वाले हैं तो खूब सारा सामान बता दिया और 11 तोले की बिल्ली बनवाई है बड़ी भारी। तो पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किसनों की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप टलते हैं। दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं, यानी कि कंजूसी ठीक नहीं है। मिश्रामी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों को इतना खर्च कौन अखरेगा, आप लोगों को इतना खर्च कौन अखरेगा। तो रामू की माँ ने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ पंडित जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च, सो उससे मुंह न मोड़ो। फिर जरा कुछ बिगड़कर बोले, रामू की माँ ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें ये अखरता हो तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पन्ना बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारे को कितना दुख है, आप बिगड़ो नहीं। मिश्रानी, चुन्नू की दादी और किसनू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन लगाया। और क्या हो, रामू की माँ ने पूछा, 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुक कर पंडित परमसुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय का भोजन कर लूँगा, यानी कि 5 पंडितों का खाना वो अकेले पंडित जी ही कर लेंगे, यानी कि अपना कोटा पूरा कर रहे हैं, और मेरे अकेले से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। देखिए पंडितों का लोभ है कितना है और कितना अंधविश्वास फैला रहे हैं, और अंधविश्वास में से ये पूरा परिवार और पूरी आस पड़ोस वाला सब उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तोंद तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते पंडित जी पर व्यंग्य किया कि हाँ, जितनी मोटी तोंद है तो 5 आदमी का खाना तो खा लेंगे, मतलब उसका कहने का मतलब था। तो अच्छा, तो अब प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊँ, 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध कर लो और देखो पूजा के लिए।
पंडित जी की बात समाप्त भी न हुई कि महरी हाफती हुई कमरे में घुस आई। सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ रे? महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी बिल्ली कर भाग गई, यानी कि बिल्ली मरी ही नहीं थी और इतना बखेड़ा हुआ कि क्या क्या दान पुण्य किया जाए। तो ये कितना अंधविश्वास से भरा हुआ जमाना था उस समय। तो अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता का करारा प्रहार किया है लेखक ने। ये कहानी अंधविश्वास एवं पाखंड से दूर रहने की शिक्षा प्रदान करती है। देखो बच्चों, पाठ अच्छा लगा, लेकिन हमें कभी भी अंधविश्वास की ओर नहीं जाना चाहिए। अब पढ़े लिखे लोगों का जमाना है, कभी भी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको पाठ अच्छा लगा, इस पाठ की एक दोबारा आप रीडिंग कीजिएगा। थैंक यू।